शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मैं तुझसे सिर्फ इतना पूछती हूँ, क्या तू मेरी रानी की वीरान जिंदगी में फिर से खुशियां लाएगा? क्या तू रानी का हाथ थामेगा? प्रिंस, क्या तू मेरी रानी से शादी करेगा? मैं जानती हूँ प्रिंस, मेरी ये बात सुनकर तुझे बहुत हैरानी हो रही होगी, लेकिन यकीन मान बेटा, ये बात मैंने बहुत सोच समझ कर की है। रानी के पापा ने, तेरे पापा और मैंने, हम तीनों ने मिलकर सोची है ये बात, और हम तीनों की दिली ख्वाहिश है, दिली तमन्ना है कि रानी का घर दोबारा से बस जाए, मेरी रानी की जिंदगी राज के बिना अधूरी है बेटा, और हम सब यही चाहते हैं कि रानी की जिंदगी में राज एक बार फिर से लौट आए। देख बेटा, अगर तुझे एक पल के लिए भी ऐसा लग रहा है कि तेरी माँ तुझसे ज्यादा मांग कर रही है, तो बेटा तुझे पूरा हक है ना कहने का। नहीं माँ, अगर आप मुझ में अपना राज देखती हैं तो मैं आपका राज हूँ, और अगर मेरी वजह से रानी की जिंदगी में वापस खुशियां आ जाती हैं तो मैं वही करूंगा जो आप कहेंगी। लेकिन प्रिंस, क्या तू खुद नहीं चाहता? माँ, मैं रानी की बहुत इज्जत करता हूँ, आपको लगता है क्या मैं इस रिश्ते के लायक हूँ? अरे बेटा, तू ऐसी बात क्यों कह रहा है? अगर तू इस रिश्ते के लायक नहीं है तो दुनिया में कोई भी लड़का रानी के लायक नहीं है। एक माँ के दिल से और उसकी नजर से कोई बात छुपती नहीं है प्रिंस, और मैंने खुद तेरी आंखों में हमेशा रानी के लिए इज्जत देखी है। तूने कभी अनजाने में भी बेटा, अनजाने में मेरा सर नहीं झुकने दिया प्रिंस। बेटा तूने तो कभी भी मर्यादा पार नहीं की, कभी भी नहीं। इसलिए तो कह रही हूं बेटा कि क्या ये इज्जत एक नए रिश्ते में नहीं बदल सकती? माँ, कोई भी नए रिश्ते में बनने से पहले दोनों की सहमति जरूरी है। क्या आपने रानी से इस रिश्ते के बारे में बात की? सीपी में मोती सी, मंदिर में ज्योति सी, चंदन की खुशबू बसी है सांसों में, वो रहने वाली महलों की, वो रहने वाली महलों की। हिरनी सी चंचल है, तितली सी कोमल है, सोने के पंखों से आकाशों में, वो रहने वाली महलों की, वो रहने वाली महलों की। पंडित जी, ध्यान से देखकर बताइए कि हमारे पुनित के पापा बनने का योग कब है? अरे शालिनी, पुनित, तुम लोग आ गए, आओ आओ, बैठो बैठो बैठो। पंडित जी को तुम्हारी पत्रिका दिखा रही हूँ। महेन जी, आपके सुपुत्र की कुंडली तो शुभ संदेश दे रही है। पुत्र योग दिखाई दे रहा है इसमें, वो भी बहुत जल्दी, एक नहीं दो दो पुत्रों का योग है। अब आप अपनी गोद में पोते को खिलाने के लिए तैयार हो जाइए। सुना आपने, हमारी जिंदगी में दो दो पुत्रों का सुख है। पंडित जी, इतनी अच्छी खबर सुनाने के लिए ये लीजिए, आपकी दक्षिणा। धन्यवाद।
अच्छा मैं चलता हूँ, नमस्कार। नमस्ते नमस्ते। सुना है कि पंडित जी बहुत गुणी हैं, पत्रिका तो बहुत अच्छी देखते हैं, जो भी बताते हैं ना हमेशा सच होता है। अब हमारा सपना सच होगा, हम बहुत जल्द दादा दादी बनेंगे, हमारा इंतजार खत्म हो जाएगा। इस घर के आंगन में एक छोटा सा नन्हा सा फूल मुस्कराएगा। पुनित, शालिनी, अब बस हमारी तो एक ही ख्वाहिश है, तुम दोनों का बच्चा देखने की। काका, मैंने माँ की बात में हाँ मिलाकर कोई गलती तो नहीं की, कहीं रानी इस हाँ का कोई गलत मतलब ना निकाल ले। आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? इसलिए क्योंकि बहुत मुश्किल से मैंने अपने लिए रानी की आंखों में माफी देखी है। अगर वो इस बात को लेकर नाराज होगी तो नहीं प्रिंस, ऐसा कुछ नहीं होगा। सुरेखा जी ने अगर आपके सामने इतनी बड़ी बात कही है तो कुछ सोच समझ कर कही होगी, और उन्हें अपने मन में पूरा विश्वास होगा कि रानी इस बात का बुरा नहीं मानेगी। पर प्रिंस, मेरा दिल तो किसी और बात के लिए डर रहा है। आपने अपनी जिंदगी का इतना बड़ा अहम फैसला बड़े सरकार की परमिशन के बिना ले लिया, उनकी राय नहीं ली आपने। अरे काका, रिश्ते जोड़ने के लिए उनकी राय ली जाती है जिनको रिश्तों की कदर हो, जो रिश्तों का मतलब समझते हो। डैड के लिए हर रिश्ता सिर्फ एक बिजनेस डील है एंड नथिंग एल्स। और जब माँ, पापा और रानी के पापा इस रिश्ते से सहमत हैं तो मुझे और किसी की परमिशन नहीं चाहिए। और आप डैड के बारे में सोच सोच कर प्लीज परेशान मत होइए। जी जी। रानी बेटा, कैसी हो तुम? हम ठीक है आंटी, आप कैसे हैं? हाय जीजू। जीजी, रिपोर्ट आई। वो एक्चुअली डॉक्टर आउटस्टेशन गए हैं, तो थोड़े दिनों बाद आएंगी रिपोर्ट्स। रानी, मुझे कुछ इंपॉर्टेंट मेल्स चेक करने, तुम लोग बैठ के बात करो, मैं भी आता हूँ। जी जी जी। बेटा, तुम दोनों बहने बैठो, बातें करो, मुझे बाहर जाना है। बाय बेटा। सी यू। बाय आंटी। जीजी, जीजी क्या हुआ, आप रो क्यों रही हैं? जीजी प्लीज बताइए ना, आप जरूर हमसे कोई बात छुपा रही हैं। जीजी बताइए ना। रानी, तुम्हारी जीजी कभी कभी मां नहीं बन सकती है क्या? लेकिन जीजी रिपोर्ट्स तो, हाँ, क्या डॉक्टर ने ऐसा कहा? मैं कभी मां नहीं बन पाऊंगी। जी जी, रानी मैं टूट चुकी हूं। जिस औरत को ये पता चल जाए कि वो कभी मां नहीं बन सकती, वो कहां से हिम्मत लाएगी? जिस बहू को ये पता चल जाए कि वो कभी अपने खानदान को वारिस नहीं दे सकती, वो कहां से हिम्मत लाएंगी? जिस इंसान को जब ऐसा लगने लगे कि वो किसी की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पा रहा, तो वो कहां से हिम्मत लाएगा? रानी, कहां से हिम्मत लाएगा वो? जी जी, अब मैं
मॉम और डैड को कैसे बताऊं? वो तो दिन रात अपनी आंखों में अपने पोते पोते को खिलाने के सपने सजाए बैठे, रोज उन्हें एक ही बात की उम्मीद होती है, एक ही खुशखबरी का इंतजार होता है कि हमारी बहू मां बनने वाली है। कैसे तोड़ दूं उनकी उम्मीदों को, कैसे तोड़ दूं उनके सपनों को, क्या करूं मैं? जीजी, पर आपको उनको बताना तो पड़ेगा ना। तकलीफ पहुंचेगी, इसलिए मैं सच को अपने अंदर ही छुपाए रखना चाहती हूं। रानी प्लीज, तुम पापा को या माई को इस बारे में कुछ भी नहीं बताना, वरना मेरी ये कमी सबको बहुत रुलाएगी, सबको बहुत रुलाएगी। रानी मैं रानी के बारे में अक्सर सोचकर परेशान हो जाया करता था कि वो अपनी जिंदगी अकेले कैसे बिताएगी। लेकिन फिलहाल तो भाई साहब मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ ये बात को सोचकर के रानी के सामने बात छेड़ूं कैसे। बहन जी, रानी आपकी बहुत इज्जत करती है, आपकी हर बात को बहुत मान देती है। वो जानती है कि अगर आप उसके बारे में कुछ भी सोचेंगी तो उसकी भलाई के लिए ही सोचेगी। अब जब हम सबको प्रिंस में राज दिखाई दे रहा है तो वो भी हमारी भावनाओं को समझेगी। हाँ भाई साहब, समझदार बच्ची है, समझेगी तो जरूर। लेकिन मैंने राज और रानी के प्यार का रंग बहुत नजदीक से देखा है और समझा भी है। जब भी राज उसके सामने आता था तो रानी के चेहरे पर रौनक आ जाती थी, उसकी आंखों में चमक आ जाती थी। राज ही राज था उसकी जिंदगी में, लेकिन भाई साहब अब वो राज की जगह किसी और को, पता नहीं, मुझे तो सोच सोच कर बहुत घबराहट होती है कि रानी से जिक्र कैसे करूं। देखिए, रानी को आप जितना करीब से जानते हैं शायद उतना तो मैं भी नहीं जानता। माँ बेटी का रिश्ता होता ही ऐसा है, माँ अपने दिल की बात बिना झिझक बेटी से कर सकती है। और जब इतनी अच्छी बात आपके दिल में आई है तो मैं समझता हूँ कि माँ के हक से आपको उसे बताना ही चाहिए। आगे जो होगा देखा जाएगा, भगवान ने चाहा तो रानी की जिंदगी संवर जाएगी। जरूर संवर जाएगी भाई साहब। शालिनी, कब तक चलेगा ऐसा? कब तक इस तरह परेशान रहोगी? मैंने फैसला कर लिया है, कल हम मॉम और डैड को सब कुछ बता देंगे। नहीं पुनी, प्लीज ऐसा मत करना, मॉम का दिल टूट जाएगा, डैड के सपने अधूरे रह जाएंगे, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। लेकिन शालिनी, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, तुम समझ रही हो? We don't have any solution. और हम कब तक इस बात को लोगों से छुपाएंगे? मैं कुछ नहीं जानती पुनीत, कुछ भी करना पड़े, लेकिन मैं मोहम्मद डैड के सपने को अधूरा नहीं छोड़ सकती। शालिनी, और मैं तुम्हें ऐसे तकलीफ में नहीं देख सकता हूँ। शालिनी, तुम्हारे लिए माँ बनना कितना अहम है मैं जानता हूँ, मोहम्मद डैड के लिए तुम्हारा कंसर्न भी मैं समझ सकता हूँ, लेकिन इसका और कोई रास्ता सिवाय इसके कि अगर हम किसी बच्चे को गोद ले लें? क्या हम बच्चा गोद ले लें? नहीं पुनीत, मॉम और डैड इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, उन्हें हमारा बच्चा चाहिए, इस घर का वारिस चाहिए, जो मैं कभी नहीं दे सकती, इस घर को वारिस नहीं दे सकती हूँ मैं।
I'm so sorry. I'm so sorry. I'm so sorry. से कहा था ना, आप जब हमारे सामने बैठ जाते हैं तो हमारी दिन भर की थकान दूर हो जाती है। बस आप यूं ही हमारे सामने मुस्कुराते रहे। रानी बेटा। अरे माँ, राज को याद कर रहे थे? राज से बातें कर रहे थे माँ। और तेरी बात का जवाब नहीं देता वो? वो जवाब नहीं दे पाते हैं तो क्या हुआ, हमारी बातें तो सुन पाते हैं। दिल खोल के हम उनसे बातें करते हैं माँ। माँ, हमने आपको ऑफिस से फोन किया था, कोई फोन नहीं उठा रहा था। थोड़ी देर के लिए बाहर गई थी। रानी, मुझे तुझसे एक सवाल पूछना है। पूछिए ना माँ। हर बच्चे के लिए सबसे ज्यादा कौन सोचता है, उसके माँ बाप ही ना? हाँ माँ। और माँ बाप कभी भी अपने बच्चे का बुरा नहीं चाहते? ये भी कोई पूछने वाली बात है माँ? तो फिर इसका मतलब है कि माँ बाप अगर बच्चे का बुरा नहीं चाहते तो बच्चे का क्या फर्ज बनता है? यही कि माँ बाप के कहने से पहले उनकी हर बात समझ ले। मुझे पता था तू यही जवाब देगी। अब मेरे दिल को तसल्ली हो गई कि मैं जो भी कहूँगी तू मेरी बात मानेगी। हम कुछ समझे नहीं माँ। देख रानी बेटा, मैंने तुझे कभी भी अपनी बहू नहीं समझा, तुझे अपनी बेटी ही कहती हूँ ना। रानी बेटा, बेटा एक माँ के दिल ने तमन्ना की है। कहिए माँ। मेरा दिल कहता है कि मैं तुझे दोबारा से खुश देखूं, सुखी देखूं। रानी, एक माँ चाहती है कि उसकी बेटी का घर दोबारा से बस जाए। मैं चाहती हूँ कि तेरी जिंदगी में इंद्रधनुष के रंग दोबारा से बिखर जाएं बेटा। हमेशा के लिए तो खुश रहे। रानी बेटा, बस मेरी ये बात मान ले, तू रानी तू प्रिंस से शादी कर ले।